खबर है छत्तीसगढ़ की, जहां देवकर नगर से 5 किलोमीटर दूरवर्ती एवं बेरला विकासखंड के ग्राम पंचायत डंगनिया में बीते बुधवार को स्थानीय विकासखंड प्रशासन द्वारा ग्राम के ही मोहित पाल के नवनिर्मित मकान आधारशिला को प्रशासन द्वारा घास जमीन पर अतिक्रमण मानते हुए भूमिगत समतलीकृत किया गया, जिसमें प्रशासन के तौर तरीके व भेदभावपूर्ण रवैये के कारण स्थानीय प्रभावित जन के साथ आम जनता में पनप रहा है। सबसे अहम बात, अतिक्रमण हटाने के लिए तारीख 26 अगस्त देने के पश्चात में तीसरे दिन 28 अगस्त अतिक्रमणकारी को बिना जानकारी दिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उक्त घास जमीन को अतिक्रमण व कब्जा मानते हुए प्रशासनिक बुलडोजर चलवाकर समतलीकरण किया गया, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी नौबत नहीं आए जिसमें प्रशासनिक अफसरों द्वारा उक्त स्थल पर भविष्य में हॉट बाजार बनाने की योजना को लेकर सारे अतिक्रमण हटाना बताया गया। परंतु सबसे अहम बात यह रही कि अतिक्रमण स्थल से लगे एक और प्रतिष्ठित व्यक्ति के दुकान को प्रशासन द्वारा ना हटाया गया, ना हटाने के लिए बोला गया, जिससे प्रशासन के दोहरे रवैये से जनता सम रह गई, क्योंकि सूरत हाल में क्षेत्र की राजनीतिक फिजा बदली हुई है, जिसमें प्रभावित व्यक्ति को राजनीतिक बदले की भावना से अतिक्रमणकारी बताकर सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्रवाई किया गया। क्योंकि एक जानकारी के अनुसार बेरला ब्लॉक के इस ग्राम कुछ समय पूर्व तक 350 एकड़ जमीन घास की बताई जा रही है, जिसमें समय दर समय कई कब्जाधारियों द्वारा कब्जा कर हथिया लिया गया है, जिसमें ग्राम के कई नामचीन व प्रभावी लोग भी शामिल हैं। ऐसा प्रशासन के द्वारा एक तरफा पीड़ित का कहना है कि उनको ग्राम के ही 11 और व्यक्ति के साथ सन 2007 से 2008 के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ग्राम में ही लगभग 2 एकड़ जमीन, जिसमें प्रत्येक के हिस्से में 900 वर्ग मीटर के दायरे को मकान बनाने आवंटित की गई थी, जिस पर बाहर से अतिक्रमणकारी आकर उन सबके जगह को कब्जा उनके हक को छीन ले गए, जिसके कारण मैं कुछ साल पूर्व स्थानीय चौक पास ही एक अतिक्रमणकारी दुकान को देखकर उसके पीछे हिस्से के साथ मिलकर सिर्फ उनके ही जमीन कब्जे पर शिकायत प्रशासन को की, जिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई। उनका कहना है कि ग्राम में खाली पड़े घास जमीन पर मकान बनाने की मंशा से नींव डलवा रखी थी, जिस पर राजनीतिक नुमाइंदों ने पूरी ताकत के जितने भी कब्जेधारी हैं सबके ऊपर नियम पूर्वक जांच कर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। इसी तरह भेदभावपूर्ण कार्रवाई से प्रशासन की छवि धूमिल व खराब होती है। वहीं प्रशासन इस पर स्थानीय पंचायत प्रशासन द्वारा प्रस्ताव पास होकर आने पर नीति पूर्वक कार्रवाई माना, जिसमें प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न करने के संदेश युक्त घास जमीन के कब्जे को हटाकर की गई। मैं डंगनिया निवासी हूँ, अब मुरगाम 350 एकड़ घास जमीन है, लेकिन अतिक्रमण हटाए बर मोरे भरला मन हटाबो की बोलते अब कार्रवाई करत एक झन भर मोरे भर ग्राम डंगनिया में अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे तहसीलदार और एक ही आदमी का मेरा ही कब्जा बस हटाया, बाकी को छोड़ दिया। सामने दुकान भी है और रोड के दोनों तरफ भी है, पूरा अतिक्रमण हटाने की आदेश है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।